बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। नाउन्स में हम टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ रहे हैं। कल तक जो हमने पढ़ा उसमें कुछ टाइप्स थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, स्टैक नाउन, कैन क्रिएट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। और आज हम इसको कंटिन्यू करके जिसका और एक टाइप है, आठवां नंबर आठ, वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन में इसमें जो नाउन्स है ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से बने होते हैं, यानी कि वो नाउन्स जो वो वर्ड्स जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से बने होते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। मेड अप ऑफ, कंपाउंड जो नाउन्स होते हैं, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ टू और मोर स्मॉलर वर्ड्स। For example, text, text book, ये दो वर्ड्स है यहाँ पे, text और book, दो छोटी छोटी वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं, text book। इसके बाद snow, ball, snow अलग वर्ड है, बॉल अलग वर्ड है। जब ये दो वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है, सनो बॉल। सनो का तो अलग मीनिंग है, बॉल का तो अलग मीनिंग है, तो जब हम इनको इकट्ठे मिलाते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, तो ये नया वर्ड बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड, सनो बॉल। इसके बाद सनफ्लावर, सन आपको पता है इसका मीनिंग, फ्लावर का आपको पता मीनिंग है, लेकिन जब अलग अलग है इनका मीनिंग और जब दोनों को आपस में मिलाते हैं, सन फ्लावर नया एक नाउन बनता है, एक वर्ड बनता है जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। सन फ्लावर मीनिंग भी तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो बच्चों ये कंपाउंड नाउन था। इसके बाद और एक टाइप है countable noun, countable noun, countable noun में वो चीज़ें आती है, उन चीज़ things का नाम आता है जिनको हम गिन सकते हैं, count कर सकते हैं, वो चीज़ें जिनको हम मतलब गिन सकते हैं वो countable होते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं। नाउन्स या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिल है, एक पेंसिल, तो उनको आप काउंट करते हैं, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, चार, फाइव, सिक्स, सेवन, जहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हैं पेंसिल्स। या एप्पल है, सेब आप गिन सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो आप गिन सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ट्रेन है, डॉग, एट्सट्रा, सारे क्या हैं, काउंटेबल नाउन्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसके बाद अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो इसका अपोजिट है
अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं गिन पाते हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हम मतलब काउंट नहीं कर पाते हैं, जिनको हम वेट के तौर पर, मतलब वेट के तौर पर एक दूसरी जगह, दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको मुंतकिल कर सकते हैं या मतलब बेच सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं। नाउंस या ऐसे लिखो, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कॉन्ट बी काउंटेड या कैन नॉट बी काउंटेड, थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, तो वो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं एक चीज़ का आप नाम बताएं जो हमारे पास है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क है हमारे पास, दूध, थोड़ा सा दूध लो लो ले लो आप, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? या शुगर है, शुगर को हम नहीं काउंट सकते, इसको हम वेट कर सकते हैं। ऐसी तरीके से वाटर भी है, इसको भी हम नहीं काउंट कर सकते हैं। राइस है एक्स्ट्रा, और बाकी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम वेट कर सकते हैं लेकिन उनको काउंट नहीं कर पाते हैं, हम अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो टाइप्स ऑफ नाउंस हैं, पहला देखा आपने कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, और उसके बाद सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कल हम इसको, इसमें कुछ और भी टाइप्स बाकी रहेंगे, कल हम इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।